हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबका शालिनी मिश्रा के ब्लॉग में वेलकम है। तो मैं उठ गई हूँ, टाइम हो रहे हैं 9 बज रहे हैं और आज मैं 9 बजे ही उठ रही हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा उठने का ट्राई कर रही हूँ और आज मेरी मेड भी नहीं आई है, तो आज हमारे पास काम भी बहुत सारा है, पूरा गंदा पड़ा है क्योंकि मेरी मेड की तबीयत ख़राब है। तो आज काम हमें ही करना पड़ेगा, मुझे और प्रिया को मिल के। प्रिया आ गई है, आज गई थी वॉक करने, तो वो वॉक करके नीचे से आ गई है। आरब के पापा एंड लड्डू सो रहे हैं, ये देखो ये दोनों सो रहे हैं। एक्चुअली लड्डू की ना तबीयत ख़राब चल रही है, लड्डू के पापा दोनों की तबीयत ख़राब है। लड्डू को पता नहीं क्यों कुछ भी ना पच नहीं रहा है, उल्टी हो जा रही है। और लड्डू के पापा को सरद गर्म बुखार, इससे पहले मेरे को हुआ था, अभी भी अच्छे से ठीक नहीं है। खांसी आ रही मुझे और सर्दी, लेकिन फीवर ठीक है मेरा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लेना, शालिनी मिश्रा के ब्लॉग नेम से मेरा चैनल है। तो आप लोग को मेरी वेट लॉस जर्नी, मैं सारा टाइम मेरे बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, क्या करती हूँ, मेरी पूरी लाइफ के बारे में आपको जानने को मिलेगा एंड सारी चीज़ें। हेलो प्रिया। हेलो। तो गाइस, मैं सबसे नीचे ये पानी पीती हूँ, चिया सीड्स, नींबू, शहद वाला। मुझे तो ये देख के ही अजीब सा लगा, पिया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मतलब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यार आप चलोगे? हाँ सुन रहे हो, नीचे चलोगे वॉक करने? चलूंगा आज, नहीं जाओगे? रिकवर कर लूंगा। क्यों मेरे भैया को परेशान करती हो? बढ़िया है भैया वाले, बढ़िया है भैया वाले। हाँ गाइस, टाइम हो रहा 9:56 और देखती हूँ आज कितना कर पाती हूँ। टारगेट तो रहता है कि 1 घंटे करूँ, बट फिर भी। लड्डू क्या हो रहा है? हाँ परेशान है, टीवी भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों आज चल रहा है सोसाइटी का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और आज बस सोना है सारा दिन। मैं तो जगा हुआ हूँ, देख रहे हैं। अभी इतना सारा मैंने बर्तन धुला, 3 टोकरी और बड़े बड़े सारे बर्तन, यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। मतलब अपना काम में कोई मेड और कुछ नहीं, बस ये मैं धोते धोते ये बोल रही थी ना कि यार कितनी ग्रेट होती हैं ये लोग, देखो इतना ज्यादा बर्तन होता है, इतना ज्यादा काम और कितनी आसानी से करती हैं, और हम लोग कितना ज्यादा एक दिन ना करें तो कितना तंग हो जाते हैं। गाइस हमने आज नाश्ते में ओट्स बनाए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, लाइट चली गया 10 बजे से मेंटेनेंस में है तो 3 बजे लाइट आएगी। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी गोए हैं, नारियल पानी पी लिया है और ये चने के देखती हूँ दोपहर में कुछ बना लूँगी। तो ये ब्रेकफास्ट में हमारा तो ये और ये होने वाला है। तो ये है लड्डू का खाना। बहुत नाराज होता है, लो देखो नाराज है, दे दिया अभी उसको। हाँ बात कर लो। हेलो बताओ क्या कर रहे हो? लड्डू की मस्ती ऐसे पूरे घर में चलती रहती है। खाओगे? लो खा के दिखाओ, लो खाओ, कट करो। अच्छा लगा? अच्छा लगा लड्डू को इतना सारा एक साथ कट करके रख दियो, फ्रिज में रख देना, बेकार हो जाएगा।
जब आपको पता है कि आज लाइट नहीं थी तो आपको बता देना चाहिए, हम पानी स्टोर करके रख लेते। अब ना पानी है कहीं पे भी, आरओ में भी पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, खत्म। अब क्या करें, हमें प्याज भी लगी है पानी का नहीं। इसमें से मैंने थोड़ा सा पानी निकाला है जिससे मैं ग्रीन टी बना लूंगी, लेकिन पीने के लिए नहीं है। हो गॉड, अच्छा आने वाली है। अब तो 3 बजेंगे तो आएगी ही। आरू आ गया स्कूल से और लड्डू सो गया है। लगता गाइस जी, मैंने आटा गूंद लिया है मेरा, जो कि जिस इसमें है रागी बाजरा और गेहूं का आटा मिक्स है, क्योंकि सिर्फ बाजरा और रागी ना बनाते नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसमें 3 चीज़ें ऐड की। बट ये ज़्यादा आटा हो गया, 1 रोटी मैं खाऊंगी, 2 रोटी मेरे हस्बैंड खाएंगे। इधर हम बना रहे चुकंदर का रायता बनाएंगे जिसमें दही के साथ, क्योंकि चुकंदर ऐसे खाया नहीं जाता, मेरे हाथ में ब्लड आने लगा, तो ऐसे बहुत हेल्दी होता है इसलिए। तो गाइज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे हाथ से बना रही हूँ। आप देखो दो मैंने कितनी प्यारी रोटियां बनाई है, और ये मैं तीसरी ना आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर हाथ से। सोचोगे मजा, मैंने बेलन लिया था, लेकिन मैंने हाथ से ट्राई किया और मेरे से बन गई, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं हाथ से ही यूज करूँ। इतनी प्यारी रोटियां, और वो भी इतनी पतली रोटी, और वो भी ऐसे आटों की। ये देखो अब ये वाली रोटी ना, मैं दिखाती थी कितनी अच्छी फूल भी रही है, बस ये फट जाती है थोड़ी थोड़ी। कौन सा है पता है? चुकंदर दही का रायता, बहुत अच्छा। स्ट्रॉबेरी लग रहा है। स्ट्रॉबेरी दही है। मैं निकाल देती हूँ। कैसा पापा टेस्ट करके बताओ कैसा है? अच्छा बेटा। तो गाइज आज मैं आपको अपना लंच दिखाती हूँ, क्या है मेरे लंच में। लड्डू जग गया, दाल है जो तुर दाल है, तुअर दाल, अरहर दाल, आप जो भी बोलते हैं, और ये सब्जी है मिक्स जो हमारे बीन्स वगैरह हैं उसकी, चुकंदर रायता, चना सैलड, एंड ये रागी बाजरा मिक्स रोटी। पता है मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया था तब, बिल्कुल भी। प्रिया के दांत देखो, जल्दी कंपटीशन में हारना होगा तभी आज तुम खाना छोड़ना, और अपनी वॉच तक नहीं उतारते हो, ऐसे ही खाने लगते हो। भी खाते हैं आज मुहावरे याद है सारा, दांत खट्टे होना, गुदरी का लाल, छुपा हुआ गुड़ी है। हाँ? अच्छा उसका अर्थ तुम बताओगे। तो अरे वो मुहावरा मतलब ये करके प्रयोग करके है? अरे बाकी का सेंटेंसेस बताओ। लाल बहादुर शास्त्री गुदरी के लाल थे। तुम बताओ देवांश, कोई दूसरा बताना। मुझे नहीं आता है, कुछ भी आता है तो। वेयर इज द इंजेक्शन ऑफ दिस? दिस इज नॉट अ इंजेक्शन, वेयर इज दिस? तो ये है आरव का फ्रेंड, जो कि हमारे डाइनिंग के नीचे ऐसे ही रोज आता है, छुप जाता है, यहीं पे खेलता है। कुछ कहना चाहोगे देवांश? आरव ट्यूशन के लिए रेडी हो? हाँ। आरव को भूख लगी थी, आरव को चौकोज मिल्क चाहिए था, और यहाँ पे बच्चे खा रहे चौकोज क्योंकि इन लोग को जाना है ट्यूशन अभी। तो लड्डू क्यों खींच रहा था? तू भाग रहा है। पकड़े। आज गाइस ये इतना शैतान है, नहीं बंद कर लेता है खुद को और फिर रोना स्टार्ट कर देता। अभी इस रूम में बंद कर लिया था, और आज प्रिया बोलती है आज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत बोल रही है आज मेरा जिम यही है। ओ गॉड, मैं जल्द हाँ तुम बर्तन लगा दो, मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ। देवांश अच्छा है। अभी तुम लोग फ्रेंच और वो पढ़ रहे हो? हाँ। क्या जर्मन? जर्मन चलो जर्मन में मुझे कुछ बताओ, कोई वर्ड बताओ।
का पता। हाँ बताओ। रूज रेड। क्या होता है रूज? मतलब रेड। तुम बताओ कुछ। वर्ल्ड ग्रीन। और उसमें बताओ जर्मन में कुछ? जर्मन में कुछ भी नहीं पता। बंजोर किसे कहते हैं? बंजोर तो फ्रेंच का है। गुड मॉर्निंग। जर्मन में बताओ भाभी। जर्मन। कितने भी कितना भी तुम्हें लाना है, लेकिन अगर तुम ये तुम्हें गर्म पानी चाहिए था ना, मैंने कर दिया, ले लेना। सो गाइज, अचानक से हमें निकलना पड़ रहा है GLF मॉल की, और देख रहे हैं मैं जैसी थी वैसी निकल पड़ी हूँ। हालत कितनी ख़राब सी हो गई। एक्चुअली पता है मेरे को ना टैनिंग हो गई बहुत ज़्यादा। नीचे धूप में 12 बजे 1 बजे जाके वॉक करना मेरे लिए बहुत ये हो रहा है, और मैं टैनिंग हो गई, पर कोई बात नहीं। गाइज मैं बता रही थी कि इनका जो मैकबुक दिया हुआ था, जो लड्डू ने तोड़ दिया था, तो वो बन गया है, तो हम लेने जा रहे हैं अभी। तो सर्विस सेंटर है वो जल्दी बंद हो जाता है, तो उन्होंने कॉल किया था कि हाँ आप ले जा सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। रीज़न भी मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे थे जिनका मुझे वीडियो शूट करके और एडिटिंग उसी में होती है जो प्रॉपर प्रमोशनल होते हैं, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा था, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो फाइनली बन गया। क्या बोले, 8 बजे तक ओपन रहेगा? 8 बजे तक मैक्सिमम बोला है, उसका मन किया तो। फाइनली लैपटॉप मिल गया, और ये रहा मेरा पूरा आउटफिट। अब ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह डाइट करती हूँ फिर भी मोटी हो। हाँ यार मोटी तो हूँ, तभी तो डाइट कर रही हूँ कि शायद हो जाऊँ पतली। आ गई यहाँ देखने को जिम वेयर डिकैथलॉन में, देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगा तो। कैसी है? अच्छी। बस करो, कितनी शॉपिंग करोगी? पहले सीरियस हो के अच्छे से जिम करो, फिर करो शॉपिंग। यहाँ पे हो गई हमारी शॉपिंग, थोड़ी बहुत जो भी हमें लेना था जिम के कुछ थे, कुछ बॉटल वगैरह, और उसके बाद हम आ गए रिलायंस मार्ट, जहाँ पे हमने की थोड़ी सी ग्रॉसरी एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब की हमने थोड़ी सी की शॉपिंग, और अभी हमें बिलिंग करानी है। घर से फ़ोन भी आ चुका आरू का। तो 9000 कम है? 9000 बट मेरा जीरो हुआ है आज। और देखो कुछ तो इंसान घर में भी थोड़ा बहुत चलता है, तो वो स्टेप्स तो काउंट होते हैं ना। तो 6.70 किलोमीटर, मतलब हमारे 10000 ना सिर्फ वॉक के होने चाहिए, बाहर के वॉक के, तब वो कैलकुलेट अच्छा हो। फर्स्ट टाइम हुआ है जब हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, और मुझे जबकि भूख लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। इसलिए कि मुझे ऐसा कुछ डाइट वाला कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या खाऊं। फिर मेरे को घर में जाके ना कुछ सूप वगैरह या कुछ ऐसा ग्रिल्ड पनीर वगैरह खाना था, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ही मैं अपना बर्बाद करूं आज का जो भी वॉक की हूँ मॉर्निंग में, और जो भी इतनी मेहनत करके मैं इतने पॉइंट इंचेस जो कम कर रही हूँ ना, उसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती। किसी ने हमारे बढ़िया न्यू सी गाड़ी ली है, MG Hector। संतरा, मौसमी, इन सब क्या लग गया? पपीता, संतरा। ज्यादा नहीं होती क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत होता है। हे मेरा मुन्ना, ए मेरा मुन्ना, बंद कर आ रू, ये भाग जाएगा। इसकी तबीयत नहीं ठीक है एक्चुअली। सो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज डिनर में मैंने क्या खाया है, डिनर में आज मैंने सिर्फ लौकी की सब्जी खाई है,
जो कि बहुत ही कम ऑयल और इसमें बनी थी, और थोड़ी सी दाल खाई है, तूर दाल, जो कि दोपहर की रखी हुई थी, क्योंकि आज मेरा कुछ ज़्यादा बनाने का मूड नहीं था। हे बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। खुशी देखो, खुशी लड्डू बाय कर दो, बाय। यस गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज थैंक यू सो मच, बाय बाय। जाने के लिए बोल रहा है बाहर। क्या बाहर जाना है? ये रो रहा है क्योंकि इसको बाहर जाना है। यार इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा तसल्ली मिल रही है क्रॉस को देख करके। समझ रहे हो तुम? मेरे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा टारगेट होना चाहिए।